एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। सो बिहार गवर्नमेंट के तरफ से एक लार्ज वैकेंसी अपडेट आया है फॉर ऑल द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट। जो पेपर कटिंग पे ये आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्वास्थ्य विभाग के जो डिफरेंट लाइक डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे टोटल 45,000 भर्ती होंगे। मतलब 45,000 टोटल वैकेंसीज प्रेजेंट है जो होने वाला है बिहार में। ओके, उनमें से अगर आप फार्मासिस्ट देखोगे यहाँ पे राइट कॉलम पे, अगर आप देखोगे सेकंड पे 3,637, मतलब इतने सारे फार्मासिस्ट के पोस्ट आने वाला है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी के जो अदर है वो भी आप देख सकते हो, जो भी नर्सिंग वगैरह है, मेडिकल ऑफिसर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। सो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल देखेंगे तो ये जो वैकेंसी होंगे ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होंगे, ठीक है। एंड डॉक्टर्स, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट एंड डिफरेंट टोटल पोस्ट्स हैं। एंड जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, राइट। डिटेल्स की और थोड़ा सा बात करें यहाँ पे हम लोग तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ दिया गया है कि टोटल किसके कितने पोस्ट होंगे। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर्स जो होंगे 3,523, जनरल मेडिकल ऑफिसर जो होंगे 396, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे 1290, डेंटिस्ट होंगे 64, नर्सेस होंगे 6,298, ANM होंगे 15,089, फार्मासिस्ट 3,637, जो कि एक बहुत अच्छी क्वांटिटी के पोस्ट्स हैं। लाइक हम लोगों ने अगर हम रेलवेज की बात करें, SRC की बात करें या फिर किसी भी स्टेट की बात करें, इतने सारे वैकेंसीज हम लोगों को पिछले कुछ टाइम पे देखने के लिए नहीं मिला है, राइट। सो बी रेडी फॉर दिस। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट दे दूँ आप सबको, स्पेशली दोज आर फ्रॉम बिहार एक्चुअली एंड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फार्मासिस्ट। आप सबके लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है एंड मेक श्योर यू हैव द बी फार्म और डी फार्म व्हाटएवर, बट रजिस्ट्रेशन आपके पास हो। आई हर्ड दैट कि रजिस्ट्रेशन के लेकर बिहार में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप सब मिलकर इसको सॉर्ट आउट करो, सारे स्टूडेंट्स यूनाइट होकर, ताकि इसका सॉल्यूशन हो जाए। अदरवाइज यू विल गेट इन डिफ़िकल्टीज फॉर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब्स। ओके, जॉब में अप्लाई करने का कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए रजिस्ट्रेशन अपना ठीक से बना लेना, ठीक है, ऑलराइट। और नॉर्मली हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट मस्ट हैव परस्यूड अ बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, ऑल्टरनेटिवली डिप्लोमा होल्डर्स कैन ऑल एलिजिबल टू अप्लाई। तो डी फार्म बी फार्म बोथ एलिजिबल है, बट रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल से, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं मे दे कैन अप्लाई, बट ज्वाइनिंग के कुछ टाइम बाद आपको देने होंगे, ऐसा एक रहेगा। डिटेल्स नोटिफिकेशन जैसे आते हैं हम उस पर वीडियो बनाएंगे, रेलवेज को भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो बी रेडी फॉर दिस अपकमिंग वैकेंसीज एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।